करीब डेढ़ साल से पूरी दुनिया में कोहराम मचाने वाले कोरोना वायरस का और भी ज्यादा घातक रूप सामने आ सकता है। आने वाले समय में इसका नया वेरिएंट इतना खतरनाक होगा कि तीन में से एक इंसान की जान भी जा सकती है, ऐसी आशंका जताई है ब्रिटेन की सरकार के शीर्ष वैज्ञानिकों ने। ब्रिटेन के साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर इमरजेंसीज की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इस नए वायरस के कारण मृत्यु दर 35% हो सकती है। इस समूह में शामिल एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब वायरस कहीं बहुत ज्यादा वक्त के लिए रहता है तो उसमें म्यूटेशन की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ऐसा ही ब्रिटेन में हो रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रिटेन को सर्दियों तक बूस्टर वैक्सीन लानी होगी, विदेश से वायरस के नए वेरिएंट आने से रोकना होगा और ऐसे जानवरों को मारना भी पड़ सकता है जिनमें वायरस रह सकता है। वैज्ञानिकों ने आने वाले समय की संभावनाओं पर एक पेपर रिलीज किया है जिसमें सुपर म्यूटेंट वेरिएंट का खतरा बताया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आने वाला स्ट्रेन दक्षिण अफ्रीका में मिले बीटा और केंट में मिले अल्फा या भारत में मिले डेल्टा वेरिएंट से मिलकर बना तो ये वैक्सीन को भी बेअसर कर देगा। इसकी वजह से मृत्यु दर बढ़ने की भी आशंका है। हालांकि टीम का कहना है कि वैक्सीन को बेअसर करने के लिए किसी बेहद शक्तिशाली वेरिएंट की ही जरूरत होगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटेन में लॉकडाउन के प्रतिबंध को खत्म करने की सरकार की तैयारियों को लेकर एक्सपर्ट्स ने एक बार फिर चेताया है। उनका कहना है कि सेज की रिपोर्ट से पता चलता है कि वायरस से पीछा अभी नहीं छूटा है, इसलिए सरकार को इसे लेकर ज्यादा अलर्ट होना चाहिए। एक्सपर्ट्स ने जानवरों को वायरस का रिजर्वायर बनने से रोकने की सलाह दी है। उन्होंने डॉक्टरों से भी कहा है कि कुछ दवाएं संभल कर इस्तेमाल करें, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल पर वायरस इनके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है।